ये कहानी शुरू होती है रोहन से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। रोहन कहता है 8 PM में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रोहन काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले रोहन को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब रोहन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, वैसे आपको जाना कहाँ है। लड़की कहती है मुझे बर्दवान जाना है। रोहन कहता है मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। रोहन ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। रोहन दो चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी। लड़की थैंक यू कहती है। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। रोहन कहता है मेरा नाम रोहन है, वैसे आपका नाम क्या है। लड़की कहती है मेरा नाम रिया है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। रोहन ने रिया से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिया सो जाती है। अब रोहन की आंखें रिया को ही देख रही होती है। रिया की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और उसके मासूम से चेहरे को देखकर रोहन के दिल में कुछ होने लगता है। रोहन ने खुद को संभाला और रिया की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। रोहन तुरंत जाकर रिया को उठाता है और फिर दोनों उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। रिया रोहन से पूछती है आप मुंबई में क्या करते हो। रोहन कहता है मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो। रिया कहती है मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में रिया ने रोहन से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं अभी तक तो नहीं हुई। रिया कहती है तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड। रोहन कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। रिया कहती है कैसी लड़की चाहिए आपको जरा हमें भी बताइए। रोहन कहता है बिल्कुल आपकी जैसी। रिया कहती है मेरी जैसी ही क्यों। रोहन कहता है आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। रिया कहती है अच्छा जी ये बात है तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कॉन्टेक्ट हो सके। रोहन तुरंत अपना फोन नंबर रिया को देता है। थोड़ी देर बाद रिया सो जाती है लेकिन रोहन को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ रिया को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रोहन के दिल में रिया के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रोहन उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी रिया से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। रिया रोहन से कहती है मेरी मंजिल आ गई अब मैं चलती हूँ। रोहन थोड़ा उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और रिया मुस्कुराते हुए रोहन को अलविदा कहती है। रोहन ट्रेन की खिड़की से रिया की तरफ देखता है। रिया भी रोहन को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रोहन के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन रोहन अभी भी रिया को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रोहन के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है,
उसका नाम रिया है और ये उसका फोन नंबर है। रोहन ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और रिया ने कॉल रिसीव किया। रिया कहती है, तो लड़की कैसी लगी आपको? रोहन कहता है, बहुत अच्छी लगी। रिया कहती है, तो शादी करना चाहोगे? रोहन कहता है, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। रिया कहती है, तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो रोहन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रोहन घर पहुंचने तक रिया से ही बातें करता रहा। चलो मुझे भी किसी के लिए लड़की ढूंढने जाना है और कहानी के लिए यहाँ क्लिक करें। अरे क्या टूटा, लगता है रोहन का दिल टूट गया।